मंच पर बैठे डॉक्टर साहू और रिसर्च मेथोलॉजी टेक्निक्स के प्रमुख प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर सुनील गोयल। इस रिसर्च मेथोलॉजी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर विजय दुबे, उसके साथ हमारे प्रिय दोस्त सीनियर मेंबर संदीप नेत्र, सुनील राजपूत जी और हमारे राजनीति विज्ञान परिवार के हमारे साथी बागमारे सर, वीरेंद्र सर, गोयपाल सर और मेरे से अधिकतर बैठे हुए राजनीति विज्ञान विभाग के छात्र। ज़्यादा समय नहीं होगा क्योंकि पहले से ही बहुत बढ़िया तरीके से कीनोट डॉक्टर सुनील गोयल सर ने दिया हुआ। मुझे जो विषय दिया गया है वो है गाइडलाइंस क्या है कम्युनिकेशन के लिए, जो PhD संशोधन कर रहे हैं, संशोधन छात्रों के संदर्भ में जब उन्हें थीसिस सबमिट करना है उससे पूर्व उन्हें पब्लिकेशन क्या करना है या नहीं करना है, उस संदर्भ में टेक्निकली जो जानकारी है वो जानकारी देने के लिए कहा है। और साथ ही साथ छात्रों को स्कॉलरशिप जो शोध करता है उनको स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है, उनके कौन सी मिलती है, उस संदर्भ में एक छोटा सा गाइडेंस मैं आ दूंगा। तो आपके सामने प्रस्तुत है गाइडलाइन फॉर इंक्रीज PhD पब्लिकेशन बुक्स एंड स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन। और ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि हमने जब PhD की थी तब हमने कभी सोचा नहीं था कि PhD के संदर्भ में स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन कुछ प्राइवेट एजेंसियाँ थी जिन्होंने जिनको हमने अप्रोच किया था। लेकिन प्राइवेट एजेंसियाँ जब आपको स्कॉलरशिप देती है तो आपसे ब्याज वसूल करती है, कोई जीरो इंटरेस्ट रेट का आपको स्कॉलरशिप देता है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी ऐसी हैं कि जो आपको स्कॉलरशिप देती हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो उस संदर्भ में पहले आप कम्युनिकेशन के बारे में देख लेंगे कि PhD का थीसिस सबमिट करने से पूर्व आपको रिसर्च पब्लिकेशन करना पड़ता है। उस रिसर्च पब्लिकेशन के संदर्भ में जो गाइडलाइन है तो उस संदर्भ में कवित्री बनाबाई उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ की जो रूल एंड रेगुलेशन है उसमें एक पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है, वो रूल है 15(2)(a), उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि आपने अपने कार्यकाल में, आपका कार्यकाल 6 साल का PhD का कार्यकाल रहेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप अपना शोध कार्य शुरू करोगे तो शुरू करने के बाद जब आपको थीसिस सबमिट करना है, शोध प्रबंध आपको सबमिट करना है, उससे पूर्व आपने सभी आपकी जो रिपोर्ट्स हैं 6 मंथ रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है, आपका अहवाल देना पड़ता है हर 6 महीने में RSC के थ्रू, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के थ्रू। तो वो जो 6 मंथ रिपोर्ट्स आप सबमिट करोगे तो आपने जब आपको समरी लास्ट समरी सबमिट करनी है, आपका रिसर्च कंप्लीट हो गया है, आपके गाइड ने आपको मंजूरी दी है कि ठीक है अभी आप थीसिस आपका कंप्लीट हो चुका है, अभी आप समरी तैयार कीजिए, समरी तैयार करने के बाद आपको समरी सबमिट करनी पड़ती है RSC से कंसर्न करके। तो वो जो समरी आप सबमिट करते हो फाइनल थीसिस सबमिट करने के लिए, तो उससे पूर्व आपको पब्लिकेशन आपके गाइड आपके थ्रू करवा लेते हैं। तो आपको कम से कम यहाँ पे जो रेड लाइन में आपको दिखाई देगा, एट लीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन रेफर्ड जर्नल एंड मेक 2 पेपर प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार एंड प्रोसीड एविडेंस। मतलब आपको क्या करना है, 2 प्रेजेंटेशन देने हैं, जैसे हम यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वैसे आपको कॉन्फ्रेंस सेमिनार और वर्कशॉप में आपको आपका प्रेजेंटेशन देना है कंसर्न टू योर PhD टॉपिक। कम से कम 2 प्रेजेंटेशन देने हैं, और अभी आजकल तो हम कोर्स वर्क में ही आपके 2 प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, जो आप टॉपिक चुनते हो उस टॉपिक के आधार पर आपके 2 प्रेजेंटेशन हम कोर्स वर्क में ले लेते हैं, मतलब जो गाइड होता है वो आपके स्टूडेंट का कोर्स वर्क में ही 2 प्रेजेंटेशन ले लेता है। लेकिन इसलिए उसके अलावा आपको कम से कम 1 रिसर्च पेपर जो आप सुबह के सत्र से लेकर अभी तक सुन जा रहे हैं कि आपको रिसर्च राइटिंग करना है, रिसर्च पेपर लिखना है, तो कम से कम 1 रिसर्च पेपर आपको लिखकर पब्लिश करना है, सिर्फ लिखना नहीं है। और पब्लिश कहाँ करना है, रेफर्ड जर्नल में पब्लिश करना है। रेफर्ड जर्नल का मतलब क्या होता है, रेफर्ड जर्नल मींस जिस
रिसर्च जर्नल का एक संपादक मंडल, एडिटोरियल बोर्ड, ये जो आपका रिसर्च पेपर आपका भेजने के बाद जब आप कंसर्न रिसर्च जर्नल पब्लिकेशन में भेजोगे तो वहाँ पे एडिटोरियल बोर्ड आपका जो रिसर्च पेपर है वह जांचेगा कि आपका रिसर्च पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी के हिसाब से है या नहीं। एक दूसरा, आपने जो रिसर्च पेपर बनाया है वो कॉपी तो नहीं है, आपका खुद का रिसर्च पेपर होना चाहिए। उस हिसाब से आपने कम से कम एक रिसर्च पेपर यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से आपने क्या करना है, पब्लिश करना है, तभी आप अपना थीसिस सबमिट कर पाओगे और आपको डिग्री अवार्ड की जा सकती है। बट उसके लिए अलग से और रूल है, उसका एक पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है क्योंकि पब्लिकेशन के संदर्भ में मुझे बताना है इस लिहाज से। और उसके बाद कौन सी गाइडलाइंस है, लगभग तीन गाइडलाइन अभी तक यूजीसी ने पब्लिश की हुई है। 2009 में एक गाइडलाइन पब्लिश की है, उसके बाद 2016 में एक गाइडलाइन है और उसके बाद 2022 में गाइडलाइन है। तीन गाइडलाइंस यूजीसी ने पब्लिश की है, उस आधार पर 2023 में एबीसीएनयू जलगांव ने अपना एक सर्कुलर निकाला है और वो डेटा 26/7/2023 को उन्होंने अपनी गाइडलाइन पब्लिश की है, जिसके अंतर्गत आपको कम से कम एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। मैंने 2010 में मेरा पीएचडी कंप्लीट किया था, तो 2009 रेगुलेशन उस समय लागू हुआ था, तो तब मैंने एक रिसर्च पेपर था, कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए, लेकिन एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर हमने कहा सबमिट करना है, तब सर डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है। लेकिन जब मैंने पीएचडी कंप्लीट की थी तब या तो किसी एक ग्रुप में आईएसबीएन नंबर के एक बुक में हमने पब्लिश करना था, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में आपने रिसर्च जर्नल में बुक पब्लिश करना है। दो नंबर होते हैं जो पीएचडी स्कॉलर हैं जो प्रोफेसर ने हमको बताया, आईएसएसएन नंबर होता है वो होता है रिसर्च जर्नल के लिए, और एक आईएसबीएन नंबर होता है वो होता है बुक पब्लिकेशन के लिए। तो जब हमने पीएचडी की थी तब आईएसबीएन नंबर मिले हुए बुक में हमने चैप्टर पब्लिश किया था तो वो कंसीडर होता है, लेकिन आज वर्तमान अगर आपको पब्लिश करना है तो रेफरेंस रिसर्च जर्नल में पब्लिश करना है, ब्लाइंड रिव्यू रेफरेंस रिसर्च जर्नल में पब्लिश करना है, या फिर यूजीसी के लिस्टेड रिसर्च जर्नल में आपने एक पेपर कम से कम पब्लिश करना है। लेकिन हम जो भी मार्गदर्शन है वो अपने स्टूडेंट से हमें कहते हैं टाइम टू टाइम गाइडलाइन देते रहते हैं, हम लोग रिसर्च करने में तो मदद करते ही करते हैं, लेकिन पब्लिकेशन में भी उन्हें निरंतर मदद करते हैं। अब रिसर्च पेपर कैसा होना चाहिए, अगर वैसे तो डॉक्टर सुनील गोयल सर ने आपको बहुत सी चीजें उसमें बताई, लेकिन मोस्टली क्या क्या होनी चाहिए रिसर्च पेपर में, या फिर हाउ शुड अ रिसर्च पेपर भी कैसा होना चाहिए, तो उसमें रिलेटेड टू रिसर्च टॉपिक आपका रिसर्च पेपर जब आप संशोधन कर रहे हो तो जब आपने अपना पेपर पब्लिश करना है तो आपका जो रिसर्च पेपर होना होगा तो वो आपके पीएचडी के टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद वो केस स्टडी का होगा तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा यूजीसी के लिस्टेड और रेफरेंस जर्नल में वो पब्लिश होना चाहिए जिसे मैंने इससे पहले भी बताया, और रिसर्च पेपर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस, उसके रिसर्च पेपर में ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस होना चाहिए। एक चीज सर्वे से सर्वे मतलब रिसर्च पेपर और उसका आपकी दो चीजें हैं, रिसर्च पेपर इसमें मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, ये दोनों होने चाहिए, और आर्टिकल में ऑब्जेक्टिव है तो भी चलेगा। तो रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करना है, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आपका जो रिसर्च पेपर होना चाहिए वो रिसर्च पेपर कैसा होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस होने चाहिए। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसमें एनालिसिस होगा, कंक्लूजन होगा, डिस्कशन होंगे, और उसके बाद रेमेडीज होंगे। तो लास्ट में मस्ट बी कंक्लूजन एंड रेमेडीज उसमें होने चाहिए। अगर आप केस स्टडी पे रिसर्च पेपर कर रहे हो तो वो रिसर्च पेपर कैसा होगा, उसमें विश्लेषण तो आपने करना ही करना है, बट उसमें डिस्कशन करना है कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपके फाइंडिंग क्या है, और उसके बाद आपने कंक्लूजन उसमें देना है और उसके रेमेडीज देने हैं। और इस तरह से रिसर्च पेपर आपने क्या करना है, पब्लिश करना है आपके पीएचडी का थीसिस सबमिट करने से पूर्व। तो ये छोटी सी एक क्लॉज था जिस क्लॉज के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया। इसके अलावा स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 11 के करीबन मैंने यहाँ स्कॉलरशिप कवर की है, जिसमें जो नेटसेट नहीं है और पीएचडी कर रहे हैं इनके संदर्भ में स्कॉलरशिप है, और जिन्होंने नेटसेट किया है नेटसेट क्वालिफाइड है उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप है, और कई स्कॉलरशिप दोनों के लिए है। तो सबसे पहले आपके सामने स्कॉलरशिप जो मैंने रखी है वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल रिसर्च फेलोशिप, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च फेलोशिप ये दिल्ली के हैं,
शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए, जो शेड्यूल कास्ट में छात्र शोध कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी के जो छात्र शोध कर रहे हैं, छात्रों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल रिसर्च फेलोशिप है। और यह फेलोशिप कौन देता है? यह फेलोशिप बार्टी देती है, शॉर्ट फॉर्म नाम लिखा हुआ है बार्टी, BARTI, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पूना, ये आपको यह स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। और यह स्कॉलरशिप जो है, जब शोधकर्ता PhD का रजिस्ट्रेशन करता है तब से लेकर 5 साल या फिर उससे पूर्व अगर आपकी आपका संशोधन कार्य पूरा हो जाता है तो वो समय, या आपका संशोधन कार्य 3 वर्ष में पूर्ण हो जाता है तो आपको 3 साल स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपका 5 साल रिसर्च पूर्ण होता है तो 5 साल या उससे कम जो अवधि होगी उसमें आपको जाने का स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन 5 साल से अधिक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलना है। और ये किनके लिए है? जो नॉन नेट सेट है, अगर नेट सेट नहीं है, आपने पैट देकर PhD में प्रवेश किया है, तो उन विद्यार्थियों के लिए यह स्कॉलरशिप है। और क्या एलिजिबिलिटी है? रजिस्ट्रेशन कंफर्म होना चाहिए, आप जब अप्लाई करोगे बार्टी में तो आपका रजिस्ट्रेशन आपको कंफर्म करना होगा उनके तरफ से, अगर उन्होंने कंफर्म किया तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, मतलब ये जो स्कॉलरशिप है किन छात्रों के लिए, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के निवासी हैं। लगभग मैंने महाराष्ट्र की अधिक स्कॉलरशिप कवर की है, तो पहली स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट PhD स्टूडेंट्स के लिए है, और वह जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल रिसर्च स्कॉलरशिप। इसके बाद दूसरी स्कॉलरशिप है, वह है छत्रपति शाहू महाराज नेशनल रिसर्च फेलोशिप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CSM NRL। और ये जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने पैट के द्वारा प्रवेश किया हुआ है लेकिन वो सेट नेट नहीं है, ऐसे छात्रों के लिए। यह भी स्कॉलरशिप पुणे के साथ ही इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको मिलती है। और यह भी पहले तरह कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया है उससे 5 साल तक आप ये स्कॉलरशिप का यूज कर सकते हो, या फिर आपने जहाँ अपना थीसिस सबमिट किया या सबमिट करते समय आपकी स्कॉलरशिप क्या होगी, बंद होगी या तो 5 साल, या तो जब आपने 5 साल से पूर्व अगर आपने आपका थीसिस सबमिट किया होगा तब तक आपकी यह स्कॉलरशिप रहेगी। एलिजिबिलिटीज क्या है इसके, कि वो नॉन क्रिमिनल कैटेगरी का होना चाहिए और वह महाराष्ट्र का रहने वाला होना चाहिए। इसके अलावा ये किनके लिए है, मोस्टली OBC कैटेगरी के लिए है, जिसमें कुटुंबी मराठा कुटुंबी और कुटुंबी मराठा कास्ट के जो कुटुंबी मराठा कास्ट में है उन सब के लिए, मतलब अगर मोटे तौर पर कहें तो OBC कैटेगरी के लिए यह स्कॉलरशिप है। और इसमें भी 3 बेसिक पॉइंट है, उसमें रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्म करना चाहिए 7 दिन के तब आपकी स्कॉलरशिप शुरू होगी, महाराष्ट्र के रहने वाले होने चाहिए, और इसका जो सिलेक्शन है सिलेक्शन ऑफ मेरिट होगा, मतलब अगर 10 शोधकर्ताओं ने एप्लीकेशन किया है तो उसकी मेरिट बेस होगी, क्योंकि इसका एक कोटा जो है इकोनॉमिकल कोटा तय किया जाता है, उसी को इकोनॉमिकल कोटे के अनुसार विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट लगाया जाता है, उस आधार पर आपको यह स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद ये स्कॉलरशिप आपके सामने है, महात्मा ज्योतिबा फुले रिसर्च फेलोशिप, और यह फेलोशिप जो है ये नागपुर से मिलती है आपको, महात्मा फुले रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो नागपुर है वहाँ से आपको यह स्कॉलरशिप आपको प्रदान की जाती है। इसका टेन्योर जो है 5 साल है, या जब तक आप 5 साल से पूर्व अगर आप अपना थीसिस सबमिट करते हो या आपकी आपका शोध पूर्ण करते हो तब आपको मिलेगी, दोनों में से जो पूर्व होगा उस आधार पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें आप वापस नॉन क्रिमिनल होने चाहिए और कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मगर कौन सी कैटेगरी के छात्रों को मिलती है तो OBC BJNT और SBC स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस और BJNT इन कैटेगरियों के शोधकर्ताओं को यह स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। और इसमें पहले ही आपको बताया कि वो रजिस्ट्रेशन कहाँ से कन्फर्म होना चाहिए, महात्मा फुले रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है वहाँ से आपका कन्फर्मेशन आपको जब तक नहीं मिलता तब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसके बाद आप महाराष्ट्र के रहने वाले चाहिए, और साथ ही साथ सिलेक्शन क्या है, बेसिक ऑफ मेरिट पे आपका सिलेक्शन होगा, मतलब आपने अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है, वहाँ पे मेरिट आपको दी जाएगी, उस मेरिट के हिसाब से आपका
सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद कंफर्मेशन लेटर आपके पास रहेगा और फिर उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप शुरू होगी। और ये स्कॉलरशिप भी जो नेट सेट नहीं है और पैट द्वारा आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है ऐसे शोधकर्ताओं के लिए ये स्कॉलरशिप आपके सामने है। इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप है ऐसी SSR से ये स्कॉलरशिप है, दिल्ली की एक संस्था है और सभी जो हिंदुस्तान के रहवासी हैं उनके लिए इन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई है और स्पेशली 2 साल की यह जो है रजिस्ट्रेशन आपका इसमें होता है। 2 साल तक आपको ये यह संस्था कह रही है आपको बेसिस ऑफ मेरिट पर आपको स्कॉलरशिप देती है और जो नॉन नेट सेट हैं उनके लिए खास यह स्कॉलरशिप ICSSR से है और इसमें सभी लोग ST ST SC ST OBC और ओपन कैटेगरी सभी लोगों के लिए यह शोधकर्ताओं विद्यार्थियों के सभी विद्यार्थियों के लिए ओपन SC स्कॉलरशिप है आप अप्लाई करें लेकिन मेरिट आपका शोध कार्य कैसा है उस आधार पर आपको यह स्कॉलरशिप मिलती है और इसमें शॉर्ट टर्म स्कॉलरशिप है और दूसरा आप जब तक PhD करते हो तब तक स्कॉलरशिप है। शॉर्ट टर्म में 9 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल आपको इसमें स्कॉलरशिप के अमाउंट मिलती है और पर मंथ 20,000 रुपीज़ और दूसरा 25,000 रुपीज़ पर मंथ में इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही साथ और एक इसमें एडिटी 2 प्रकार की स्कॉलरशिप मिलती है 20,000 पर मंथ और 25,000 पर मंथ कॉन्टीजेंसी करके एक हेड के अंतर्गत आपको ट्रैवलिंग और इत्यादि में आपको स्कॉलरशिप। तो ये ICSSR न्यू दिल्ली से है और जो प्राध्यापक है उनको मैं बताऊँ कि कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप सेमिनार इसके लिए भी अलग से ICSSR ने अनुदान देती है जिस आधार पर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे या फिर अन्य विषयों पर हम कॉन्फ्रेंस सेमिनार आयोजित कर सकते हैं। तो ये एक स्कॉलरशिप है। उसके अलावा एक स्कॉलरशिप सिर्फ इतिहास के शोधकर्ताओं के लिए जो इतिहास विषय के अंतर्गत शोध करता है उनके लिए एक स्कॉलरशिप है। उस स्कॉलरशिप का नाम है ICHR फेलोशिप अलीपुर स्ट्रीट स्टूडेंट्स जो इतिहास विषय को लेकर PhD कर रहे हैं या PhD के अंतर्गत शोध कर रहे हैं उनके लिए ICHR नाम की एक फेलोशिप है और ये फेलोशिप न्यू दिल्ली की इंस्टीट्यूशन है इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च न्यू दिल्ली इसकी ओर से स्कॉलरशिप मिलती है। इसका भी जो कार्यकाल है आपके स्कॉलरशिप का 3 साल का है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप 3 साल तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। इसके लिए अमाउंट लगभग 20,000 पर मंथ के आसपास आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इनके लिए सभी के लिए ओपन है उसमें SC ST OBC और जनरल जो शोधकर्ता है उन कैटेगरियों के सभी कैटेगरियों के शोधकर्ताओं को यह स्कॉलरशिप मिलती है। इसके लिए नेट सेट होना जरूरी नहीं है विदाउट नेट सेट जो PhD कर रहे हैं शोधकर्ता है उनके लिए ये स्कॉलरशिप आपके सामने याद रखिए। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल के लिए एक स्कॉलरशिप आपके सामने मिल रखती है TRPI फेलोशिप। यह फेलोशिप ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पुणे पुणे से ही आपको जो इंस्टीट्यूशन है ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन उसकी ओर से सिर्फ शेड्यूल ट्राइबल के जो विद्यार्थी हैं शोध करता है उन शोधकर्ताओं के लिए स्कॉलरशिप है और 5 साल और एक्चुअल डेट ऑफ फेलोशिप ज्वाइनिंग विच इज अर्लियर जो दोनों में से अर्लियर होगा उस समय तक आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म जब तक नहीं होता है तब तक आपको स्कॉलरशिप अलॉट नहीं की जाएगी। उसके बाद इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आप महाराष्ट्र के रहवासी होने जरूरी है आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र में होना जरूरी है और इसका भी जो मेरिट है वो बेसिस ऑफ मेरिट के आधार पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। शेड्यूल ट्राइबल के लिए ये खास है और ये इसके लिए आपको नेट सेट होना जरूरी नहीं है। आपने पैट के द्वारा PhD का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। और इसके बाद जो नेट क्वालिफाइड हैं जिन्होंने नेट और सेट किया हुआ है उनके लिए अलग से कुछ स्कॉलरशिप हैं और वह स्कॉलरशिप पहली है क्वालिफिकेशन इसकी नेट रहेगी और यह जो स्कॉलरशिप आपके सामने है नेशनल फेलोशिप फॉर द शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी में जो शोधकर्ता आते हैं उनके लिए ये फेलोशिप है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट न्यू दिल्ली के द्वारा यह स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इसका भी टेन्योर कितना है 5 साल का टेन्योर है या फिर जब आप थीसिस सबमिट
करते हो वहाँ तक आपका टेंडर रहेगा। और इसका जो मेरिट है वो मेरिट है बेसिस ऑफ मेरिट इन यूजीसी नेट, यूजीसी नेट या इसका क्या है बेसिस है। लेकिन उसमें भी अगर अन्य अनेक शोधकर्ताओं ने अप्लाई किया होगा तो उस पर मेरिट लगाया जाएगा। लेकिन इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं जो यूजीसी नेट और सेट दिया हुआ है, मतलब जो नेट सेट नहीं है लेकिन शोध कर रहे हैं उनके लिए यह स्कॉलरशिप नहीं है। और ये सिर्फ नेट सेट जो विद्यार्थी हैं और शोध करता है पी एच डी कर रहे हैं उनके लिए यह स्कॉलरशिप है। और इसके अलावा नेट क्वालिफिकेशन मतलब जो नेट सेट धारक हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन नेट सेट की हुई है और पी एच डी कर रहे हैं उनके लिए एक और फेलोशिप है नेशनल फेलोशिप फॉर ओ बी सी। इससे पहले आपने शेड्यूल कास्ट के लिए देखा, अभी ओबीसी कैटेगरी के लिए एक फेलोशिप है और ये फेलोशिप कौन देता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए। जो पहले की आपने फेलोशिप देखी एससी शेड्यूल कास्ट के लिए देखी वह भी कौन दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट न्यू दिल्ली। और आपके सामने जो अभी स्लाइड पे ओबीसी की फेलोशिप है नेशनल फेलोशिप ऑफ ओबीसी मतलब अदर टाइप ऑफ क्लासेस के शोधकर्ताओं के लिए जो पीएचडी के रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वैसे शोधकर्ताओं के लिए फेलोशिप है। नॉर्म्स वही है तो पिछले साइड स्लाइड में देखते हैं 5 साल का टेन्योर इसका रहेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद या फिर आपने जब आपका पीएचडी थीसिस अगर 4 साल में सबमिट किया तो 4 साल तक आपकी स्कॉलरशिप रहेगी। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वह 5 साल तक स्कॉलरशिप लेते हैं और 5 साल के बाद थीसिस सबमिट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो फेलोशिप मिलने का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है यूजीसी नेट उसमें मेरिट का उसमें बेसिस लगा हुआ है तो ये स्कॉलरशिप आपके सामने प्रस्तुत की है। इसके बाद ये माइनॉरिटीज के लिए जो अल्पसंख्यक शोधकर्ता हैं या छात्र हैं उनके लिए फेलोशिप है आपके सामने जिसका नाम है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। ये फेलोशिप किनके लिए जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज में जो आते हैं और कौन आते हैं माइनॉरिटीज में बुद्धिस्ट क्रिश्चियन जैन मुस्लिम पारसी और सिख। ये माइनॉरिटीज रिलीजियस है रिलीजियस के अलावा लिंग्विस्टिक के अलावा अगर लिंग्विस्टिक के अलावा कहें तो ये फेलोशिप फ्री ही नहीं मिलेगी। जैसे मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हूँ मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आता हूँ मतलब मुझे ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। किनको मिलेगी जो रिलीजन माइनॉरिटी में आते हैं और कौन से रिलीजियस है माइनॉरिटी में भारतीय संविधान या भारतीय कानून के साथ में बुद्धिस्ट क्रिश्चियन जैन मुस्लिम पारसी और सिख। ये जो छह धर्मों के शोधकर्ता विद्यार्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पीएचडी में उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की दिल्ली से ये आपको मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की आप एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की दिल्ली। इसकी ओर से आपको जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको यह स्कॉलरशिप मिलती है। मेरा एक शोधकर्ता विद्यार्थी है जो इस स्कॉलरशिप का फायदा ले रहा है और इसका टेन्योर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद 5 साल तक आपको यह स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर आपने जब थीसिस सबमिट किया 4 वर्ष 3 वर्ष के उपरांत आपने थीसिस सबमिट किया तब आपकी यह स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। जैसे यूजीसी नेट और इस पर नेट सेट आपने होना अनिवार्य है, अगर नेट सेट नहीं है तो यह फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। और आप नेट सेट होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपने पीएचडी में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और नेट सेट है तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या हो अप्लाई हो नहीं तो अप्लाई नहीं हो। क्वालिफिकेशन सिंपल क्या है नेट और सेट। सेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में सेट अभी भी चल रही है बाकी अन्य प्रांतों में सेट तभी खत्म हो चुकी है इसलिए मैं नेट के साथ सेट को यहाँ जोड़ता हूँ। तो यह मेंबरशिप जो है नेट सेट करता जो शोध विद्यार्थी है छात्र है उसके लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप है। मुझे कई छात्र पता है इस फेलोशिप का अन्य जो अभी गाइड है जब वो खुद पी एच डी कर रहे थे तभी भी उन्होंने स्कॉलरशिप का फायदा लिया हुआ है और लेना चाहिए क्योंकि खर्चा बहुत होता है पी एच डी में आसान बात नहीं है। अगर आप केस स्टडी जैसे बार 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 सब से कह रहे हैं कि केस स्टडी में अगर आप रिसर्च कर रहे हो देखा जी केस स्टडी लेके आप रिसर्च करें तो आपको खर्चा बहुत आता है आपको बहुत ढूंढना पड़ता है और अनेक डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स इसमें ये स्पेशली नेट सेट डीआरएफ और
और ऐसे दो स्कॉलरशिप हैं जो आपने यूजीसी की नेट एग्जाम देते समय आपने टिक ऑफ करना होता है फॉर्म भरने। जब आप नेट देते हो, नेट देते समय एक कॉलम होता है कि आपको जीआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे दो कॉलम आते हैं जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर और ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके लिए आपने ये फॉर्म भरा हुआ है। अगर आप नेट से दे रहे हो तो उसमें एक कॉलम आता है ओनली फॉर असिस्टेंट, जो मतलब आप जो एग्जाम दे रहे हो उसके लिए दे रहे हो, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन के लिए दे रहे हो, पात्रता के लिए दे रहे हो, एलिजिबिलिटी के लिए दे रहे हो, एक वो कॉलम होता है। दूसरा एक कॉलम होता है कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर तो होना है पर साथ ही साथ आपने क्या करना है, संशोधन भी करना है, आपने रिसर्च भी करना है, और उसके लिए आपने उस फॉर्म भरते समय जो पीजी के स्टूडेंट है उनके लिए खासकर मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने क्या करना है, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और प्लस जीआर के लिए भी आपने टिक करना है, दोनों जगह टिक करना है। अगर आप दोनों जगह टिक करेंगे तो आप अपने आप शोध जब आप शुरू करोगे और उसमें उन्होंने नाम दिए हुए शोध करोगे तो आपको स्कॉलरशिप आपको उसके अंदर मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी स्कॉलरशिप, जीआरएफ अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपने रजिस्ट्रेशन करना है पीएसबी के लिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 5 साल तक क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप कौन देगा, यूजीसी देगा और यूजीसी आपको प्रमोट करेगा, और ये इसके लिए सभी के लिए कैटेगरी इसमें मायने नहीं रखती है, ओपन टू ऑल है, कैटेगरी के स्टूडेंट भी और जनरल स्टूडेंट भी इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है, यूजीसी ने जीआरएफ होना आवश्यक है, उसकी क्वालिफिकेशन आपने पूरी करना आवश्यक है। बस पर एक दो स्लाइड है आगे के लिए आपको इसके बारे में बता दूँ कि एक जो ट्राइबल के लिए जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप है, मिनिस्ट्री ट्राइबल ऑफ अफेयर्स न्यू दिल्ली की ओर से ये स्कॉलरशिप है, और इसका टेंडर भी रजिस्ट्रेशन के बाद 5 साल या जब तक आपने पी एच डी का थीसिस सबमिट किया उनमें से दोनों से जो पहले आएगा अर्लियर होगा तब तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और इसका जो बेसिस है वो बेसिस है यूजीसी नेट में आपने क्लियर करना आवश्यक है। यूजीसी नेट अगर हो तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यह स्कॉलरशिप का एक कंसर्न है, लगभग सभी जितने भी मैंने आपको स्कॉलरशिप यहाँ दिलाई है उसमें आपको पर मंथ 20,000 आपको ट्रैवलिंग और अदर्स के लिए मिल जाएगा, और कन्वीनियंस के लिए मतलब आपका स्टेशनरी है, बुक्स परचेसिंग है, और सीडीसी है, उसमें आपको लगभग 25,000 महीने का आपको लगभग 45,000 से 50,000 आपको स्कॉलरशिप मिलता है। वो डिपेंड ऑन आपकी रिसर्च कैसी है और आपने क्या अप्लाई किया है उसको आप आधार पर। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप ये स्कॉलरशिप लेते हो तो आप कहीं भी सर्विस नहीं कर सकते, इसमें नॉर्म्स है। अगर आप स्कॉलरशिप लेते हो, कोई भी स्कॉलरशिप लेते हो, किसी भी आप अगर अप्लाई करते हो आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको कहीं पे भी नौकरी नहीं करनी, इवन सीएचपी पर भी नौकरी नहीं करनी। अगर आप नौकरी करते हो आप इस पर बैठ सकते हो, ये इसमें क्लियर कट नॉर्म्स दिया हुआ है कि आप अगर फेलोशिप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट उसके लिए जो नॉर्म्स है वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, बट उसके अलावा आप कहीं पे भी नौकरी नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो फिर, क्योंकि आपको सिर्फ रिसर्च करना है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप किसके लिए मिली है, रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए आपने जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन किया है जिस सेंटर से आप इसको ले कर रहे हो, संशोधन कर रहे हो, शोध कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उस सेंटर में आपको ज्वाइन होना है, और आप ज्वाइन होने के बाद आपको स्कॉलरशिप क्या होगी, शुरू होगी, और डायरेक्टली आपके अकाउंट पे पैसे आएंगे, गाइड के अकाउंट पर पैसे नहीं जाएंगे, प्योरली स्टूडेंट के अकाउंट पर पैसे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट के साइंस से पैसे नहीं आते। आपको अगर आपको उसमें स्कॉलरशिप मिल गई, आपने अप्लाई किया, कंफर्म हो गई, आपको स्कॉलरशिप शुरू कर दिया, तो उसमें रिसर्च गाइड और सेंटर के जहाँ रिसर्च कर रहे हो, समझो आप प्रताप कॉलेज में रिसर्च कर रहे हो और प्रोफेसर जी के अंडर में रिसर्च कर रहे हो, तो प्रोफेसर आपकी गाइड है, तो उनकी सिग्नेचर प्लस इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की आपको हस्ताक्षर लेनी जरूरी है, उन दोनों के सिवाय आपका स्कॉलरशिप शुरू नहीं होगा। और यहाँ पर आपका कैटलॉग बनेगा अटेंडेंस का रिसर्च सेंटर में, आपको रिसर्च सेंटर में आपने एक जो टाइम उन्होंने टाइम बाउंड दिया उस टाइम बाउंड में आपको उस रिसर्च सेंटर में उतने दिन गुजारने हैं, उतने दिन रहना है। अनेक ऐसे नॉर्म्स हैं, सबसे जो
महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने स्कॉलरशिप आपको दी है तो आप क्या नहीं कर सकते हो, नौकरी नहीं कर सकते हो, सीएचपी की भी नौकरी नहीं कर सकते हो, और रिसर्च सेंटर पे आपको प्योरली क्या करना है, रिसर्च करना है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसी आधार पर मेरा से अपनाई जा रही है, क्योंकि जो फोर्थ ईयर टीवाई का क्लास है, अभी तक हम 3 साल टीवाई का सुन रहे थे, तो ग्रेजुएशन 3 ईयर्स करना पड़ेगा, लेकिन जब से एफवाई में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है तो आपका जो ग्रेजुएशन है 3 साल का नहीं तो 4 साल का, जब 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे वो ऑनर का रहेगा, लेकिन फोर्थ ईयर में जाएंगे तो आप रिसर्च में जाना चाहते हो, इस लिहाज से आपका फोर्थ ईयर का डिग्री रहेगा, और उसके बाद आपका जो डिग्री है वो बन लेता रहेगा। तो इस प्रकार की जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप मैंने आपके सामने बताई है, तो अगर इस संदर्भ में आपका कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर आप स्क्रीन पे है, मैं है किसी का क्वेश्चन रिवर्स को नहीं। ओके, थैंक यू टू ऑल, मैं बहुत बहुत